चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर नई दिल्ली से, अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल आतंकी, यूएनएससी ने घोषित किया है ग्लोबल आतंकी, अपनी प्रतिबंधित सूची में नाम जोड़ा है। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इसे अपने प्रतिबंध सूची में भी इसका नाम जोड़ दिया है। सूची में जोड़े जाने वाले शख्स या संस्था की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है, यानी कि अब इसकी संपत्ति फ्रीज होगी, उसे यात्रा करने की भी अनुमति नहीं होगी। चलिए, ग्लोबल आतंकी घोषित होने वाला अब्दुल रहमान मक्की कौन है वो भी आपको थोड़ा बता देते हैं, जिसकी मदद इस बार चीन भी नहीं कर सका है। यूएनएससी ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी आईएसआईएल और अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा झटका जहां पाकिस्तान को लगा है, तो वहीं दूसरा झटका आतंकी हाफिज सईद को भी लगा है। दरअसल मक्की हाफिज सईद का बहनोई है। अब्दुल रहमान मक्की कौन है जिसे वैश्विक आतंकी घोषित करने से इस बार चीन भी नहीं रोक पाया, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। अब्दुल रहमानी मक्की 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उदावा का एक सदस्य है। मक्की पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अहल ए हदीस के अलावा लश्कर ए तैयबा का में भी दबदबा रखता है। मक्की हाफिज सईद का सबसे खास रिश्तेदार था, जो कि उसके काले खेत में हमेशा खेल में वफादारी से साथ देता था। अब यूएनएससी ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है।